वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज साडे बच्चे खार की विप्रेम तो निकल रहे हैं। वाहिगुरु जी तरस करन मेरी संसार के सारे जीआं अते माता पिता नूं इह रिक्वेस्ट है कि सारे अपने घरों घरी अरदास करो, बेनती करो कि बच्चे सुरक्षित इतों निकल जाण। सारे अरदास करो, सब तो वड्डी सरकार अकाल पुरख परमात्मा आप है। अज सारे बच्चे सुख शांति नाल अपने घरों घरी वापस आ सकन। सारे शनि टैपवो अते तरले करो बच्चों लिए अते पेरेंट्स लिए। परमात्मा की दया मांगो, तरस मांगो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारे ये जो बच्चे हैं यहाँ पर यूक्रेन में फंसे हुए हैं, यहाँ पर रूस ने हमला बोल दिया है यूक्रेन के अंदर, तो हमारे बच्चों की कोई सुध बुध नहीं ले रहा। खार्किव शहर में, खास करके खार्किव शहर में, और उनको वहाँ से लाने का अभी तक सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है। और इंडिया की जो एम्बेसी है वो ये कह रही है, बार बार बच्चे इंडिया की एम्बेसी से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की एम्बेसी कह रही है कि आप बच्चों को कह रही है कि आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। जो हमारे देश के साथ बॉर्डर लगते हैं, जैसे हंगरी है, पोलैंड है, बहुत सारे बच्चे अब खार्किव से का जो सफ़र है वो 1700 किलोमीटर दूर है। बच्चों को इस जंग में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। आपकी बेटी का जसलीन कौर है, फर्स्ट ईयर है उसका। हाँ जी, सिर्फ 18 साल की बच्ची है वो। हाँ, वो कभी मतलब कि अकेले घर से बाहर भी नहीं गई है, हमारी एक ही बेटी है। आपकी कब बात हुई है, आखिरी समय कब बात आपकी बेटी के साथ हुई है, और वहाँ का कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस समय वो आपकी बच्ची कहाँ पर मौजूद है और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर? यूनिवर्सिटी ने और जो उनको उनके जो टीचर सीनियर्स हैं उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से आप। हाँ, हम अब ना आपको खाना दे सकते हैं ना ही यहाँ पर रखेंगे। वो अपने बिहार पर बेचारे निकल गए हैं। अभी आपकी कोई बात हुई है आज सुबह? बात हुई है, वो उन्होंने यही वॉइस मैसेज भेजा कि हम लोग जा रहे हैं पापा, तो खुद ही जा रहे हैं अपना पासपोर्ट लेके, थोड़ा सा खाने का सामान जो मैगी है वही तोड़ तोड़ के खा रहे हैं वो। इसको मैंने वीडियोस में इतनी अपील की है, सबको इतनी अपील की, सरकार को भी, कि प्लीज़ हमारे बच्चे वहाँ फंस के हैं, बचा लो। आपकी आंखों में अभी भी वो नमी है, जब आपकी बच्ची जब आपके पास पहुंचेगी वो कितनी खुशी होगी, और कल के हादसे के बाद पूरे परिवार जितने भी देशवासी हैं वो चिंता में है कि अपने बच्चों को किस तरह से वापस लाया जाए। उनके साथ कोई नहीं, आप सोच सकते हैं, उनके साथ कोई नहीं, वो अकेले, उनको रास्ता नहीं पता, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, पता नहीं वो कहाँ जा, अभी वो चल रहे हैं तो हमारी धड़क, आप समझ सकते हो कि कितनी धड़कने हमारी, कैसे क्या हालात हैं पेरेंट्स के। भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं, कितना भरोसा है आपको भारत सरकार पे, और क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार ना हर पेरेंट्स के साथ, पीएम मोदी से मैं ये अपील करूँगी, क्योंकि वो हर पेरेंट्स से जुड़े हैं, उनको हर पेरेंट का दर्द हो। एक बच्चा चला गया, अब वो बाकियों को प्लीज़ बचा लो। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट के चलते भारत सरकार जो है वो लगातार अपने भारतीयों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस वक्त मेरे साथ एक माताएं हैं, और आप देख सकते हैं माता मेरे साथ हैं, माता पिता आज यहां पर मौजूद हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है भारत सरकार जो है अपने बच्चों को सकुशल जो है भारत में वापस लाए। मृत्यु हुई है, आज परिवार यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम, क्या नाम है आपका, और आपका बच्चा वहाँ पर यूक्रेन में कहाँ पर है? मेरा नाम किरणदीप कौर है, यूक्रेन में खार्किव मेडिकल यूनिवर्सिटी में है वो, खार्किव मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है आपकी बेटी का? जसलीन कौर है, फर्स्ट ईयर है उसका। फर्स्ट ईयर? हाँ जी, सिर्फ 18 साल की बच्ची है वो। हाँ, वो कभी मतलब कि अकेले घर से बाहर भी नहीं गई है, हमारी एक ही बेटी है। आपकी कब बात हुई है, आखिरी समय कब बात आपकी बेटी के साथ हुई है, और वहाँ का कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इस समय वो आपकी बच्ची कहाँ पर मौजूद है, और खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर? यूनिवर्सिटी ने और जो उनको उनके जो टीचर सीनियर्स हैं उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से आप। हाँ, हम अब ना आपको खाना दे सकते हैं ना ही यहाँ पर रखेंगे। वो अपने बिहार पर बेचारे निकल गए हैं। अभी आपकी कोई बात हुई है आज सुबह? बात हुई है, वो उन्होंने यही वॉइस मैसेज भेजा कि हम लोग जा रहे हैं पापा, तो खुद ही जा रहे हैं अपना पासपोर्ट लेके, थोड़ा सा खाने का सामान जो मैगी है वही तोड़ तोड़ के खा रहे हैं वो।
भारत सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई हो, कितनी उम्मीदें हैं आपको? मैंने ना, मुझे इतना बोलना नहीं आता है, इतना हम लोग फेस नहीं करते हैं ये चीज़ को। मैंने वीडियोस में इतनी अपील की है, सबको इतनी अपील की, सरकार को भी, कि प्लीज़ हमारे बच्चे वहाँ फंस के हैं, बचा लो। आपकी आंखों में अभी भी वो नमी है, जब आप, आपकी बच्ची जब आपके पास पहुंचेगी वो कितनी खुशी होगी, और कल के हादसे के बाद पूरे परिवार, जितने भी देशवासी हैं, वो चिंता में है कि अपने बच्चों को किस तरह से वापस लाया जाए। उनके साथ कोई नहीं, आप सोच सकते हो, उनके साथ कोई नहीं, वो अकेले, उनको रास्ता नहीं पता, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, पता नहीं वो कहाँ जा, अभी वो चल रहे हैं तो हमारी धड़क, आप समझ सकते हो कि कितनी धड़कने हमारी, कैसे, क्या हालात हैं पेरेंट्स के। बेटी का नाम क्या है आपकी? जसलीन कौर है। भारत सरकार से आप क्या मांग करते हैं, कितना भरोसा है आपको भारत सरकार पे, और क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार ना हर पेरेंट्स के साथ, पीएम मोदी से मैं ये अपील करूंगी, क्योंकि वो हर पेरेंट्स से जुड़े हैं, उनको हर पेरेंट का दर्द हो। एक बच्चा चला गया, अब वो बाकियों को प्लीज़ बचा लो। मेरी छोटी सिस्टर है, इन्हीं की बेटी है, वो मेरी बेटी जैसी है, मेरा ही बच्चा है वो। सर कल उससे एक बजे बात हुई है मेरे से, वो मुझसे बातें कर रही थी, एकदम हो गया कि स्विच ऑफ किया जाए फ़ोन। वो कह रही है मासी बाहर चारों तरफ से रूस की सेना ने घेरा हुआ है, बंकर में खाने की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है। तो सर हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ भी बच्चों, वहाँ भी सरकार भेजा जाए, वहाँ से बच्चों को सेफ सर निकाला जाए। वहीं से कल एक बच्चे की डेथ हुई, 19वीं बंकर का एक बच्चा था सर। हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो हमारी हेल्प की जाए, सभी बच्चों को वहाँ से सेफ निकाला जाए सर। देखिए पूरा भारत की निगाहें हैं कि अपने बच्चों को जो है वो जल्द वापस लाया जाए, और मेरे साथ इस समय एक परिवार था जो साफ तौर पर मांग कर रहा है भारत सरकार से कि जल्द उनकी बच्ची को, और जितने भी तमाम भारतवासी वहाँ पर मौजूद है यूक्रेन के अंदर, उनको जल्द से जल्द जो है सकुशल जो है भारत के अंदर जो है वापस लाया जाए। और आपने देखा कि एक माँ का दर्द किस तरह से जलता हुआ नज़र आ रहा था और झलकता हुआ नज़र आया है। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट, जम्मू से। धन्यवाद।